सर ना खिला दो। 8 रानियों ने मिलके अपने आप को इसके अंदर जौहर कर लिया था, इसलिए तो स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल राइडर ओम और मैं आपका दोस्त। पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है ये सारा कुछ और कितना सुंदर है यार। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा देना ताकि जो नई वीडियो आती है उससे आप कनेक्ट हो सको। दोस्तों के लिए 4 जगह है सर, क्या क्या? सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, जोधा बाई। तो दोस्तों हमने बैठा एक छोटा सा गाइड थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए हो जाएगी, क्योंकि आप आओगे तो आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 रुपये में काम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बताओ भाई चीते, तो यहाँ से की थी मैंने एंट्री और वहीं से आप जो चेक पोस्ट है ना, पहला चेक पोस्ट आएगा वहाँ से आप ले लेना राइट साइड में ले लेना। तो फिर उसके बाद ये भाई बताएगा, वैसे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये है भाई मेरे साथ, इसको दिक्कत होगी मुझे नहीं होगी। जय भोलेनाथ। इसका नाम है सूरज कुंड। तो दोस्तों ये है ग्वालियर ऋषि जिनके नाम पे ग्वालियर शहर बसा हुआ है और ये है जो सूरज कुंड, मतलब सूरज जहाँ के राजा थे उन्होंने कुंड बनवाया था। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, जैसे आप एंट्री करते हो लेफ्ट साइड में मुड़कर आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ये देख सकते हो भैया कुंड बना रखा जो अच्छा ये गुरुद्वारा है यहाँ पर। क्या है ये सीनियर स्कूल? ये क्या है? ये तेली का मंदिर है, ये आर्किटेक्चर बना था। तो दोस्तों ये है तेली का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था। अच्छा मतलब तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था इस मंदिर का निर्माण, इसलिए इसे तेली का मंदिर कहा जाने लगा। और ये मंदिर है सामने, आपके सामने दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है तेली का मंदिर। तो दोस्तों ठीक अपने तेली मंदिर के सामने ही गुरुद्वारा है सास बहू का मंदिर। मतलब विष्णु भगवान का मंदिर था लेकिन यहाँ पूजा वगैरह नहीं होती तो और भाई लोग hey there, subscribe to my channel। लोकल के होते हुए आज पहली बार आए किले पर। अच्छा जी हम तो बहुत दूर से हैं। आपका YouTube चैनल है क्या? हाँ दोस्त वही दिख रहा है MP पूरा करूँगा। पहला ही है ये गुड़गांव। हाँ गुड़गांव से है वो 1.43 सब्सक्राइबर। यहाँ से हम लोग लेंगे, वहाँ इससे पर्ची कटवाएंगे 25 रुपीज़ की। और बहुत ही बड़ा महल अगर देखा जाए तो भाई। तो दोस्तों मैंने अपना हेलमेट और अपना जैकेट बाइक में रखा है और भाई कहता है अगर गुम हो गया तो मैं 10,000 रुपये कैश दूंगा। 10,000 रुपये सामने नौकरी की चल ही नहीं है। और तेरे दोस्त ने यही कहा था मेरे से, नौकरी चल रही है। 20 वाला बनाइयो, 30-40 नहीं 20, थोड़ी हरी मिर्च डाल के। तो भाई मैं खा रहा हूँ MP के अंदर चना चोर गरम। वो तो पहले कह रहा है ना आपकी सफाई है, जादू कोई नहीं, जादू ना चला। तो सबसे पहले चलते हैं, टिकट लेते हैं यहाँ से एंट्री जो 25 रुपये की है। और अभी पीछे जो आपने देखा 84 पिलर थे, उसके अंदर पहले शिवलिंग था, फिर औरंगजेब ने उसे जेल बना दिया था किस टाइम पे। नाइनटीन 1942 में तो अपने यहाँ टैंकर्स आ गए थे भारत में, बट यहाँ शो पीस के लिए रख दी गई है ये, क्या ना बाउंड्री वॉल पे। और ये महल का जो बनने का समय है 1486 से लेकर 1516 तक, लगभग महल को 30 साल लगे बनने में। और इस राजा मान सिंह उस कमर की 8 रानियाँ थीं, जो 8 रानियाँ इस महल के अंदर में रहती थी। इनके पास में कोई भी बच्चे नहीं थे और ये महल को लगभग 30 साल लगे बनने में। ये लिखा हुआ महल का बनने का समय मान मंदिर पैलेस 1486 एंड 1516। तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं, हर एक रानी संगीत के अंदर बैठ जाती थी। नीचे यहाँ संगीतकार बैठते थे जो उनको संगीत सिखाते थे। रानियाँ संगीतकारों को देख सकती थी, संगीतकार रानियों को नहीं देखा करते थे। देखने वाले के उस जमाने में हमारे यहाँ सर कलम कर देता था। तो आपने मियाँ तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। तानसेन जी का बचपन का नाम तंदू पांडे था, ना कि वो मुस्लिम थे। जब उन्हें अकबर के शासन में राग गाया, इस्लामिक धर्म अपनाया, जब जाके उनको मियाँ तानसेन नाम दिया। और वो मान सिंह अलग थे, जो जिन्हें अपनी बहन जोधा बाई अकबर को दी थी, वो अकबर के समय। ये मान सिंह मुगल शासन काल से ही पहले ये संगीत का Maan Singh. It was open courtyard for basically outside the palace. So king was sit up there and queen just sit the behind the windows. And if you think see like of the pant or color, there's not no color, no pant. Was a meena work like a jewelry. सोना और चांदी पे होता था. महल की सुंदरता के लिए ये अफगानिस्तान से मंगवाया हुआ कलर. ये राजा का दीवाने का श्रृंग. ये देखें यहाँ पर सामने दरवाजों पे लोटस. कैन यू फाइंड सम लोटस देयर? पुट इट देयर. ऑयल लैम्प. ऑयल लैम्प वाज रिफ्लेक्शन ब्रेकेट फॉर मिरर फॉर देयर. ब्रेकेट मिरर वाज रिफ्लेक्शन फॉर ग्लास रूम्स. तो कम लाइट पूरे महल में रोशनी आया करती थी. ऐसे जाए एक राउंड लगा के आप कर देखते. That part for horse and pit was either the lotus was a dragon. That part for horse. सारे मिक्स. नीचे तीसरा फ्लोर ग्राउंड लेवल नीचे देखने के लिए. ऐसा आर्किटेक्चर आपने कहीं नहीं देखा होगा इंडिया में. पहला आए सर प्लीज़, आप ऐसे आइए सर. यहाँ पर भी नीचे चल रहे हैं देखने के लिए. ये सर बिल्कुल नीचे उतर के आ रहे हैं स्टेप से देखेंगे. फेस हल्का सा डार्क आ रहा है इसलिए, बट ये अंडरग्राउंड थर्ड फ्लोर लेवल पर आ चुके हैं. ये एयर कंडीशन क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होते थे, हवा और रोशनी के लिए. आप देख सकते हैं ये सिस्टम किसी भी किले में नहीं देखा होगा आपने. सबसे बड़ा इंडिया का फोर्ट कुंभलगढ़ है, सेकेंड फोर्ट चित्तौड़गढ़ है एंड थर्ड फोर्ट ग्वालियर का है. 6th century AD सबसे पुराना फोर्ट. सन 1400 साल पहले. आज से सबसे पुराना फोर्ट ग्वालियर का ही है साहब, ग्वालियर. ये बेसमेंट में अंडरग्राउंड में इसलिए बनाया गया, जैसे रानिया कोई अटैक करता है, रानिया और भी अंडरग्राउंड में चले जाएं, जैसे उनको कोई फाइन ना कर पाए इसलिए साहब. आइए कितने नीचे सर. सर चलेंगे सर 4 मंजिल 4वीं मंजिल तक चलेंगे. यहाँ पर देखें 8 पिलर हैं. यह रानिया रेशम की रस्सी डाल के चांदी के झूलों में झूला करती थी. अब ये रिंग्स देख रहे हैं जिस क्लोज में जो रिंग्स हैं. हाँ जी, रिंग्स जो देख रहे हैं ये रिंग्स रानियाँ रेशम की रस्सी डालती थी, चांदी के झूलों में झूला करती थी, इसलिए हम इसको झूला करके नाम से जानते हैं. ऐसा किसी भी आपने नहीं देखा होगा इंडिया में. एयर कंडीशन और क्रॉस वेंटिलेशन के सिस्टम से हवा और रोशनी के लिए होते थे. अभी अपन आ चुके हैं 100 फीट बिलो 5th फ्लोर पर देखने के लिए. प्लीज़ आइए. तो ये देखें सर, यहाँ पर आएँ. ये पूरे में खुला होता था. रानियाँ यहाँ केशर के पानी में नहाया करती थी, इसलिए हम इसको केशर कुंड के नाम से जानते हैं. ये स्नान कक्ष था रानियों का और पूरे में खुला होता था. रानियाँ यहाँ केशर के पानी में नहाया करती थी, इसलिए हम इसको केशर कुंड बोलते हैं. जब राजा मानसिंह और 9वीं रानी इमरान लोदी के युद्ध में मारे गए, 8 रानियों ने मिलकर अपने आप को इसके अंदर जौहर कर लिया था, इसलिए हम इसको जौहर कुंड के नाम से जानते हैं साहब. हॉस्पिटल था जिसको म्यूजियम बना दिया आर्कोलॉजिकल ने. बगल वाला जेल था जिसको ऑफिस बना दिया. ऐसी 350 आर्किटेक्चर बिल्डिंग है जो 10 इंडिया स्कूल कैंपस के नाम से जानी जाती हैं. और ये यहाँ से राजा मानसिंह राइड करते थे एलिफेंट. पार्किंग होती थी उनके लिए से. यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ एरिया है साहब. जहांगीर एंड शाहजहां समय के गेस्ट हाउस हैं. जैसे अगर आप आलन घूमना चाहो एम्प्टी पार्ट्स हैं, बाकी हिस्टोरिकल पैलेस ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर. ओपन एरिया, व्यू पॉइंट से लोका छुपी मूवी जो शूट हुई ना सब वहाँ पर ये पॉइंट हैं. नाइस. तो दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक है, तो अभी तो अपने पास बहुत टाइम है. तो दोस्तों जो पहले वाली टिकट थी 25 रुपए की थी और जो दूसरी ली है यहाँ पर वो है 12 रुपए की. और भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा. तो दोस्तों नॉर्मल पेडीज और एमपी की पेडीज में फ़र्क है. 20 रुपये पेडीज. ये दुकान साथ में है नींबूस। तो दोस्तों अगर आप और ही गेट आते हो यहाँ पर तो भाई पेटीज़ ज़रूर खाना, मज़ा आ गया मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। मसाला पेटीज़ भैया की दुकान है आशियाना कैफ़े के नाम से और सिर्फ ग्वालियर में ही मिलती है ये पेटीज़ और आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं ये पूछ रहा था कि पूरे एमपी में मिलेगी क्या, तो मना कर दिया भैया ने। और सामने है हॉस्टल, ग्वालियर हॉस्टल, तो जैसे एंट्री करो ना पहली शॉप है राइट साइड में। तो इधर की साइड जाएंगे तो फोर्ट की तरफ, फोर्ट आ जाएगा और हमें निकलना है इधर। तो दिल खुश हो गया कसम से।